कितनी गर्मी है आज, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। हाँ अम्मा, देखो हवा भी बंद है, कहो तो पंखा चला दूं। चल हट मरे, भूत होके मजाक करता है। प्योरी बुढ़िया, जब तुझे भूत होकर गर्मी लग सकती है तो ये बेचारा भूत होकर पंखा क्यों नहीं चला सकता? बब्बा, तुम दोनों को झगड़ते देखता हूँ तो लगता है भूत योनि में नहीं बल्कि अपने घर में ही हूँ। हाय राम, ये नन्ही जान कहाँ से आ टपकी? ये नन्ही जान कहाँ से आई है यह सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात तो यह है कि यह यहाँ भूत बना कितने सालों तक लटका रहेगा। भूत बने लटके हो पर तुम्हारी बड़बड़ करने की आदत नहीं गई। अब थोड़ा चुप रहो तो मैं इससे भी बात कर लूं। करो करो, वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह फालतू बातें इकट्ठे करने का शौक नहीं है। हाँ तो नन्हे भूत, तुम यहाँ कैसे आए? जैसे तुम आई। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? हाँ तो नन्हे भूत, पहले इससे ये पूछो, आखिर ये मरा कैसे? हाँ तो तुम मरे कैसे? मुझे 7-8 दस्त हुए और बहुत कमजोरी भी लग रही थी। मैं अपनी माँ की गोद में लेटा था। मुझे याद आता है कि मेरा गला सूख रहा था। हाय रे मेरे बच्चे। और आगे मुझे कुछ याद नहीं। अब तू भूत बन गया है, भूख प्यास का चक्कर खलास। ये मजाक की बात नहीं है। हाँ तो फिर क्या हुआ था मेरे बच्चे? वही जो तेरे मेरे साथ हुआ था। हवा में उड़ते उड़ते चित्रगुप्त के पास पहुंचे तो उसने स्वर्ग या नर्क कहीं भी रखने से मना कर दिया। बोला बढ़ लो यहाँ से। उन्होंने क्या कहा था आपसे? उसने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र पूरी नहीं हुई है, तुम 10 साल पहले ही अकाल मौत का शिकार होकर यहाँ आ पहुंचे हो, इसलिए बचा हुआ समय तुम्हें भूत योनि में ही काटना होगा। बस तब से यहीं लटका हूँ। 8 साल तो बीत गए, 2 साल अभी और बाकी है। पर तुम मरे कैसे बब्बा भूत? पीलिया से। और तुम? मुझे तो टाइफाइड हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था अम्मा? तू तो जरूर 5-7 को अपने साथ लेकर निपटी होगी। कह तो तुम ठीक रहे हो, नंदू की अम्मा, भूरा की दादी, भूरा, सुगना, सुरबतिया, हम सब एक साथ हैजे से मरे थे। हैजा? कुछ समझ नहीं आया। अम्मा ठीक से बता, तुझे हुआ क्या था? खूब उल्टी दस्त हुए। बड़ा लड़का बैलगाड़ी जोतकर डॉक्टर के यहाँ ले ही जा रहा था, इतने में तो मेरे प्राण ही निकल गए। अब तुम इस पेड़ पर लटकी, कितने साल और मेरी जान खाओगी? छोड़ो तुम अपनी पिटर पिटर। मुझे एक राक्षस ने पोटली में बंद कर दिया था। उसने मुझे गोदी में लिया और प्यार से बोला कि इस नन्ही सी जान की तो 55 साल उम्र बाकी है। हाय रे मेरे बच्चे, तुझे तो सारी जिंदगी भूत बने पेड़ पर लटका रहना होगा। अरे अभी तो मैं इसका साथ दूंगा, मेरी 25 साल उम्र बाकी है। लेकिन दादी, उस देवता ने तो मुझसे कहा तेरी मौत के जिम्मेदार तेरी माँ और तेरे गांव वाले हैं। वो कैसे? उन्होंने कहा तुम्हारे गांव के लोगों ने तो पूरे गांव में गंदगी फैला के रखी है। लोगों ने जगह जगह शौच कर करके कुएं, बावड़ी, हैंडपंप सब जगह का पानी गंदा कर दिया है। इसी कारण तो मुझे डायरिया हुआ। मुझे भी गंदा पानी पीने से पीलिया हुआ था। मुझे भी हैजा गंदा पानी पीने से हुआ था। और मुझे मोती झरा। उन्होंने कहा कि तेरे गांव के और लोग भी ऐसे ही मरेंगे और यहाँ वहाँ भूत बन के लटके रहेंगे। हम सब अकाल मौत मरे हैं अपनी ही फैलाई गंदगी के कारण। अपनी रामायण बंद करो और ये बताओ कि इनके जैसी नन्ही जानों को टाइफाइड, पेचिस, पीलिया, डायरिया जैसी बीमारियों से कैसे बचाया जाए? अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करके। लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो ताऊ?
इसलिए बेटा कि लोग 1500 से 2000 रुपए बचाने के चक्कर में अपने परिवार के सदस्य को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। मैंने खुद अपने घर में शौचालय बनाने की बात का विरोध किया था। मैंने भी तो अपनी बहू को शौचालय बनाने की बात पर झड़प दिया था। मैंने सोचा था कि शासन कोई अनुदान देगा तो बनवा लेंगे। मैं तो ये भी कहता था कि जंगल में शौच जाते समय खुली हवा और घूमने फिरने का आनंद भी मिलता है। हाँ तो अब भूत बनकर लटकते रहो खुली हवा में। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सच हमारे पास तो अब पछताने का अवसर भी नहीं है। हम सब तो अपनी अपनी गलतियों के कारण अकाल मौत मर के भूत बने पेड़ों पर लटके हैं। आप लोग चाहें तो अपने गांव को खुले में शौच की गंदगी से मुक्त कराकर अपने गांव, अपने परिवार में होने वाली अकाल मौत को रोक सकते हैं। अरे अनुदान का इंतजार मत करो भैया, जान है तो जहान है। तो अब आप अपने घर में शौचालय बनवा रहे हैं ना?